फिर कहता हूं समझ में नहीं, आप टेबल के पीछे, टेबल आपके पीछे, तो मच फन। ये जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली? मत पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दुनिया में तीन चीजों को अंदर एस्टिमेट मत करना, आई मे एंड माय सेल्फ। यहाँ बहुत बड़े स्टार बैठे हैं हमारे तनु भाई, मैं वृषभा वेदा स्वस्ते नस्तारक्षो आरिष्टाने मे स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्त्वया छायणा हिरण्यकोशतानिकाय सुमनस्य मानाः तन्मतः। तल्लु जी को जैसे कैसे देखिए स्वागत कर रहे हैं, और आशीष के लिए मैं कल्लू जी से गुजारिश करूंगा ये पुष्पहार अपने उस नया हीरा को पहनाए जिन्होंने भोजपुरी को जिंदगी दी और भोजपुरी को बहुत बड़ी ऊंचाई दी। और धन्यवाद देता हूँ आप किसान चौक टीम है, कलाकारों टीम है, सभी कलाकार कलाकार बंधु डायरेक्टर सभी टीम को मैं तहे दिल से करता हूँ। अब बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जलवा फिल्म पूरे यूपी का पूरे भारत में अपना जलवा भी देते नहीं। बाबा विश्वनाथ से करता हूँ दूर होई कृपा जरूर होई हो बाबा विश्वनाथ के भक्ति जब मंजूर होई जलवा जरूर होई हो। भोजपुरी फिल्म जलवा काशी से शुरू हो रही है और काशी के आसपास आपका जलवा काफी है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और फिल्म का नाम है जलवा, और काशी जो जगह है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ का जलवा आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ खुद हैं, जहाँ पे दर्शन करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो यहाँ का जलवा मतलब जितनी भी इस जगह की तारीफ की जाए कम होगी। और काशी के आजू बाजू की रही बात, तो आज भोजपुरी भाषा के माध्यम से, हमारे गानों के माध्यम से, हमारे फिल्म के माध्यम से यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में भोजपुरी का जलवा है। तो हम लोग का सौभाग्य है, और मेरा ये सौभाग्य है कि जलवा टाइटल मुझे मिला, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे लोकेश मिश्रा सर जो प्रोड्यूसर हैं उनको और सुजीत सर को। और जलवा की शूटिंग इस काशी नगरी में हो रही है। बात करें जलवा की तो दर्शकों को कैसा जलवा देखने को मिलेगा? आपका पहले भी कई फिल्में सुपरहिट हो चुकी है, तो किस तरीके का दर्शकों को जलवा देखने? देखिए, जो नहीं सोचे होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जलवा दिखाएं, क्योंकि जलवा टाइटल रखने से नहीं होता है, जलवा का जलवा दिखाना पड़ेगा, जलवा बरकरार रहे, इसीलिए जलवा को हम एकदम अच्छे से जलवा दिखाएंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि इसमें हर फिल्मों का एक उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाए, तो मैं इस फिल्म में भी जो मैं रियल में हूँ या देश में हमारे कहीं ना कहीं जो भी हमारे देश के यूथ को प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे, एक संदेश देंगे। और एक बाप बेटे का जो रिलेशन होता है उसमें आप लोगों को जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म है तो रोमांस होगा, तो रोमांस का भी जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म में हीरो है तो एक्शन का जलवा देखने को मिलेगा। और कुल मिला के हम लोग का यही है कि सामाजिक संदेश भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन भी मिलेगा। हाँ, फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन देना जरूर, क्योंकि हम लोग जो दिखाएंगे वही दर्शक देखते हैं। और एक ये इस फिल्म का जो हीरो है, आजकल के जो अभी चल रहा है उस समय का एक बच्चे की स्टोरी है, एक यूथ की स्टोरी है। यूथ आजकल जो बेरोजगार है, उनकी रोजगार की कमी है, उस चीज़ को दिखाया जाएगा। एक ऐसा लड़का है जिसको जिसका बाप का सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या क्या जलवा बिखेरता है, आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। थैंक यू। क्या होगी और काशी जो कि हॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्मों तक के लिए एक डेस्टिनेशन बन चुका है शूटिंग के पर्पज़ से, आपका डेस्टिनेशन क्या होगा शूटिंग के पर्पज़ से? देखिए, हमारा ये एक महीने का शेड्यूल है 30-35 डेज का, और बजट लगभग जो है सो डेढ़ के ऊपर जाएगा, मतलब 1.5 crore जाएगा। तो हम भी हो सकता है उससे बढ़ भी जाए, हमारी कोशिश ये है, हाँ अराउंड ये है, बस आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। और पिक्चर ये अगस्त में 15 अगस्त तक रिलीज होगी, तो फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे, खुद बताएंगे कि हाँ फिल्म कैसी बनी है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग का स्नेह और प्यार मिलते रहे। शूटिंग डेस्टिनेशन लोकेशन क्या रहेगा जलवा की बात करें तो? शूटिंग जो है यहाँ पे जैसे राजा तालाब है, रोहनिया है, जो अपना बाबा विश्वनाथ का जो वहाँ घाट है वहाँ पे है, मिर्ज़ापुर है, मतलब तमाम 5-6 जिला में यहाँ मिला के मिक्स करेंगे। जी ठीक है।
थैंक यू। चलिए परिचय जाने दें सर आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ। इस फिल्म का नाम है जलवा, जो अभी भोजपुरी में बनाने जा रहा हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि जलवा जलवा बन सके। सांस्कृतिक राजधानी में भोजपुरी फिल्म का आज शुभारंभ, क्या कहेंगे? मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगा कि बाबा विश्वनाथ के नगरी पे मुझे मौका मिला है। तीसरी फिल्म है मेरी, इससे पहले दिनेश जी की राजा डुल्ले के आजा, खेसारी जी का अंदाज और अभी कल्लू जी का है जलवा है। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि मैं लगातार करते आ रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मूवी का थीम क्या है, एक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, कैसी फिल्म होने वाली है ये? देखिए फिल्म का नाम है जलवा, तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो जलवा दिमाग में मत रखिए जो हिंदी फिल्मों में बनी है। जलवा है कि हमारा एक कल्चर का एक हीरो है, वो कैसे कम टाइम में अपने आप को लोगों को एक शिक्षा देता है कि भाई हर काम मुश्किल नहीं होता है, आप उसको मुश्किल मत समझो, आप कोशिश करो, कोशिश करो तो हर काम मुमकिन है। तो जलवा करने मतलब कि वो एक इंसान है जो आदमी सोच नहीं सकता, वो करके दिखाया है। तो ये थीम है मेरा जलवा। अच्छा, आजकल मूवीज आ रही हैं, एक्शन मूवीज आ रही है, हॉरर आ रही है, थ्रिलर आ रही है, आपकी मूवी का क्या बेस है? देखिए इसमें क्या है, फैमिली ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, थ्रिलर नहीं कॉमेडी भी है। लोगों को एक लगेगा कि हाँ, मतलब हर एक सीन, हर एक शॉट, हर एक जो हमारा सीन सिनेमा का स्क्रीन प्ले है ना, वो आपको लगेगा अपने परिवार से कनेक्ट लगेगा कि अच्छा मेरा भी बेटा ऐसा है, अरे साला ऐसा काम करता है, अरे ऐसा ये करता है, मतलब हर एक सीन आपको अपने पारिवारिक कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। तो ये पूरा भोजपुरी है? हाँ भोजपुरी, हाँ क्योंकि भाषा भोजपुरी है। तो धार्मिक नगरी में मूवी का मुहूर्त आज निकला हुआ और धार्मिक तरीके से शुरुआत भी हुई है, क्या अपेक्षाएं होंगी इस, चूँकि काशी एक क्या कहते हैं पूर्वांचल का एक तरह से बोला जाता है कि बेस होता है, क्या कुछ कहेंगे? आपके साथ सुपरस्टार भी है। देखिए सबसे पहले कि हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमारे निर्माता भी यहीं से जुड़े हुए हैं, 100 किलोमीटर दूर सासाराम से, और हीरो जो है अरविंद अकेला कल्लू जी, इनका घर ही यहाँ है। तो सौभाग्य है फिल्म बनाने के पीछे एक परिदेश, अपना जो उद्देश्य है कि हम मतलब हर चीज़ों को है ना, क्योंकि सिनेमा एक आईना होता है, तो हम आईने के माध्यम से हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि हम अगर यहाँ फिल्म बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो हम लोगों को सपोर्ट कर रही है सब्सिडी के लिए, तो हमारा उद्देश्य भी होता है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो कलाकार हैं उनका हम बढ़ावा दें। इसलिए हम खास कर यहाँ आते हैं कि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो मेरा उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के साथ में हम मिलकर आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश मिश्रा एक फिल्म निर्माता हूँ। अभी हम लोग जलवा फिल्म के यहाँ मुहूर्त किए हैं। और जलवा नाम क्यों पड़ा? जलवा देखिए एक टाइटल है अलग, लेकिन जलवा नाम से कुछ ये नहीं है, और जलवा मतलब जो बन रहा है वो उससे अलग है। और क्या बोलेंगे हम लोग जो कर रहे हैं, जलवा का इनका उद्देश्य है कि जलवा ऐसा बनाइए कि जलवा जो हिंदी बनी है उससे ऊपर बने, उससे ऊपर बने, वो चीज़ इनका उद्देश्य है। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको नमस्कार, मेरा नाम श्रुति राव है, और अभी आप लोग जैसा कि देख रहे हैं जलवा फिल्म का मुहूर्त हुआ है और शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। फिल्म में क्या आपका कैरेक्टर है, किस तरीके से अपने को प्रस्तुत करेंगे दर्शकों के लिए, क्या है आपका कैरेक्टर? कैरेक्टर बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले तो मैं सुजीत सिंह सर को, जो कि हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कॉन्सेप्ट में मुझे उन्होंने मतलब ट्रस्ट किया, लाइक कि श्रुति करे। और इसके बाद हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं लोकेश मिश्रा जी, जो कि उन्होंने भी ट्रस्ट किया कि श्रुति से करना चाहिए। मैंने इस बैनर में इससे पहले भी एक फिल्म की, और हाल ही की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कल्लू जी के साथ तो मैं दिले इच्छा था कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, तो वो चीज़ अभी इस फिल्म में हो रही है, क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास कॉन्सेप्ट आते थे, कभी डेट का इशू होता था तो कभी किसी चीज़ का, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी, तो हम लोग साथ में काम नहीं कर पाते थे। थैंक यू सुजीत सर, थैंक यू लोकेश सर कि हम दोनों को साथ में लेके आए इस फिल्म में, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और रही बात मेरी अभिनय की, तो जैसा कि हमारे सर ने इसमें अपनी कलम से जो कि लिखवाया गया है ये कॉन्सेप्ट जलवा का है, उसके हिसाब से जो मेरा करेक्टर है मैं वो प्ले करने वाली हूँ।
मैम एक सवाल, ओरिजिनल लैंग्वेज की मूवी आजकल अक्रॉस इंडिया भी जा रही है, तमिल की मूवी उत्तर प्रदेश में या उत्तर इलाके में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन भोजपुरी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? भोजपुरी कर रही है। लोग क्या होता है ना कि हमारे जो साउथ की मूवीज देखते हैं, चाहे अलग कंट्रीज की मूवी देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं प्राउडली, बट अभी भोजपुरी का देखने के बाद भी ना लोग, क्योंकि भोजपुरी में ऐसी कई सारी फिल्में और ऐसी कई सारे ऐसे क्लिप्स वायरल होते हैं ना, लाइक कॉमेडी के चाहे सीन के, कि लोग देखते हैं उसको। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, ऐसे अगर नहीं देखते तो 200-300 मिलियन या 1000 मिलियन थोड़ी होता। ऑब्वियसली सब देखते हैं बट जुबानी नहीं बताते, मेरा ये पर्सनल मानना है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.